this, Sally. Abe Sally. Abe Sally. Abe Sally. माफ करना मैं जो तमीज से उससे मैं इधर उधर निकल जाता और तो पैसे ना जाओ ऑल पे जाओ ऑल पैसे ना जाओ पंचर ना जाओ पंचर आरडीएक्स की तरफ से और रॉयल डायनेमो की तरफ से चैलेंज आ अब रोज हम दूसरों को चैलेंज करते हैं लेकिन आज हमें यार किसी ने चैलेंज कर दिया था कि भाई ओल्ड बेसिन ना जाओ और यार बड़े रिस्पेक्ट से बोला था तो यार जाना पड़ेगा यार ओल्ड बेसिन और अब तुम इन्जॉय करना बस फाइट इनकी पूरी स्क्वाड को देखना किस तरह से पेलेंगे और यार कुछ हेट नहीं है भाई बंदे ने काफ़ी रिस्पेक्ट से बोला था तो ये चैलेंज चुलेंज का है ना भाई उससे कोई भी ऑफेंड मत होना यार ये सिंपल बस चैलेंजेस है अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए और बस बंदे बुलाने के लिए अब मेरे को मिल चुकी थी यूजी और यूएमपी तो भाई मेरी लूट पूरी हो चुकी थी भाई अब कोई भी आ जाओ यार गन फाइट ले लो और नीचे यार अहीर बंदों को नॉकआउट कर रहा था और यहाँ पे दो स्क्वाड्स लैंड कर चुकी थी और वो वाली स्क्वाड भी लैंड करी थी जिन्होंने चैलेंज करा था तो उनके एक बंदे को तो मैं कुछ यूजी के शॉट्स मारने का ट्राई करता हूँ बट यार बात नहीं बनती तो मेरे को यूएमपी पे स्विच करना पड़ता है और यहाँ पे तो यार बिल्कुल विध्वंस ही मच गया था मतलब एक दो मिनट तक नॉन स्टॉप फाइट हुई थी तो वो यार काफ़ी मज़ा आ गया और मैं यार बोलता फाइट के बीच में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भाई मतलब जो कहते हैं ना वो फ्लो बिगड़ जाता है आप लोगों का भी अगर मतलब गोली चल रही है फिर मैं बोलूँ तो भाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है इसलिए मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं अपने टीममेट का किल चुरा लेता हूँ और अभी ऊपर से एक बंदा जंप करा तो उसका भी मैंने किल चुरा लिया तो यार देखो किल चुराने में तुम्हारा भाई आजकल एक्सपर्ट हो रहा है अब यहाँ पे एक स्क्वाड हो रहा है तो देखना भाई उन्हें भी फिनिश करेंगे अब देखना इसे नॉकआउट करते हैं इसके टीममेट भाई टपाटप भाग जाते हैं तो खेलेंगे यार उनको और ये वाली टीम यार पूरी डेड हो चुकी थी अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने दो स्क्वाड्स की कही थी और आपस में मुठभेड़ हुई होगी तो मैंने तो टोटल 8 बंदे मार दिए तो आप कह सकते हो मतलब दो स्क्वाड आई थी यहाँ पे लेकिन नहीं यार अभी भी यहाँ पे कुछ बंदे बचे हैं मतलब 2-3 बंदे बचे हैं तो देखना भाई वो किस तरह की मतलब बिल्कुल सरप्राइज अटैक कर देंगे देखना हम पे वैसे मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया यार ऐसा कुछ भी सरप्राइज अटैक नहीं होएगा भाई देखो मैं यहाँ से डीबी पे ले रहा था और वो बंदा देखो मेरे को सामने दिख गया बिल्कुल फुदक के अंदर की तरफ चला गया और देखना भाई बिल्कुल खड़ा रहेगा मतलब कतई नुबड़ा प्लेयर था ये मानो या ना मानो सही में था भाई देखो अब मैं इसे फिनिश करता हूँ और इसके टीममेट भाई सरप्राइज अटैक करते हैं और यहाँ पे भी मैं गलत साबित होता हूँ ऐसा कुछ नहीं था भाई इसके कोई टीममेट नहीं था यार अकेला प्लेयर था और देखो यहाँ पे भाई नेड़ पड़ा था जिससे कि मेरा टीममेट नॉकआउट हो जाता है और मैं इसी की बात कर रहा था कि भाई सरप्राइज अटैक कर देता है साइड में से कोई
और अब जाके फाइनली पूरा ऑल बेसिन क्लियर हो जाता है तो बिल्कुल चिल मार के अपने टीममेट को रिवाइव करेंगे। और भाई लूट लाट के जितने भी यहाँ पे क्रेट बिछा रखे हैं ना, 10 बंदे पूरे मारते हैं, सबकी तो नहीं यार, बाकियों की तो ले चुके लूट, और अभी जो बंदे मारे यार उनके क्रेट्स को लूटेंगे और चलेंगे भाई आगे बंदों की तरफ। और बता दो यार 21 किल है भाई इस बंदे में इस गेम में। और यार शाउट आउट देना तो मैं भूल ही गया मेंबर्स को, जो कि नए मेंबर है अपने चैनल के, तो बिग शाउट आउट टू साहिद खान, बीडी अग्रवाल, डेविल एक्स क्रेजी और पबजी लाइट गेमिंग को, जिन्होंने भाई अभी कल परसों में शायद अपने चैनल की मेंबरशिप ली है। तो भाई आजकल काफी ज्यादा जोरों शोरों से बढ़ रहे हैं मेंबर यार मेरे कहने से, तो भाई फिर से कह देता हूँ यार जो नए हैं यार चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो भाई, काफी मतलब जिसे कहते हैं ना सस्ती मेंबरशिप है, जाओ भाई बिल्कुल जाओ यार अपने गेम प्ले की तरह है बिल्कुल, तो जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो, देख लेना ज्वाइन पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको तरह तरह की पर्क्स मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे भाई ओल्ड बेसिन पूरा क्लियर हो चुका था, लूटेंगे और भाई चलेंगे आगे बंदों की तरफ। अब कार लेके गाइस मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेंट्रल रोड की तरफ, सेंट्रल रोड ही नहीं, यहाँ भाई यहाँ पे आ जाता हूँ मैं देखो। और ये वाले घर में भाई हमेशा क्लचेस हो ही जाते हैं, और यूज़ी हो तो भाई क्या नहीं हो सकता इस घर में। और ले दे कह रहे इन्होंने मेरे टीममेट को झप लिया और भाई पूरा फिनिश भी कर दिया, और इनका लास्ट बंदा आता है अब। और स्पेशली इस वाले घर में भाई यही टिप है कि अगर ऊपर जैसे जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ पे कोई बंदा यूज़ या फिर एस12 के लेके बैठा है ना, तो गलती करना ही मत यार जाने की, या तो नेड टॉस करके बिल्कुल उसके मुंह पे फेंकना, या फिर नेड बाहर से टॉस करके फेंक देना, जिससे कि कोई एक बंदा अंदर से नॉक हो जाए तो तुम बाहर से जाओ तो ऊपर वो लोग भाई अपने टीममेट को रिवाइव तो करेंगे, यूँ तो है ना मरने देंगे भाई, जा तू लोबी में जा, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्पेशल बढ़िया है, क्या स्पेशल बोल रहा हूँ मैं, ये नेड कर दो भाई बेस्ट है, सीधा मत जाओ बिना मतलब, चाहे तुम्हारे पास कोई भी AR हो, MK14 द मॉन्स्टर गन है तो थोड़ा बहुत काम बन सकता है, नहीं तो बेस्ट है कि भाई नेड करो, वैसे मैंने तो करा नहीं नेड। अब कार लेके गए मैं यहाँ पे हिल की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े मतलब शॉट्स की आवाज़ आई, मेरे को फाइट चल रही थी यहाँ पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था यार, साइड में चल रही थी फाइट। अब मैं जाता हूँ भाई हिल के साइड वाले जो साइड में जो घर होते हैं ना भाई, जहाँ पे अपना डाउनटाउन था, यहाँ पे काफ़ी सारे घर होते थे बट अभी 3 ही छोड़े इन्होंने, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और भाई देखना किस तरह की मैं थर्ड पार्टी करता हूँ। वैसे थर्ड पार्टी थोड़ा बहुत कह सकते हो यार, 25% थर्ड पार्टी, 75% खुद की मेहनत। और ये बंदा भाई बिल्कुल 200 IQ वाला नेड करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने इसको काफ़ी लो कर दिया था, तो मैंने एक बार के लिए सोचा कि हाँ भाई मार देता हूँ 2-3 गोली और, लेकिन यार मैं रिस्क लेना चाहता था क्योंकि तुम्हें पता है भाई फुट की किस्मत है, वैसे नेड के मामले में तो ठीक है तुम्हें पता है। अब देखो आसपास बहुत सारे फुट सब्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा पहले इसी बंदे को सेट करते हैं। अब देखो नीचे तो 2-3 बंदे नॉक्ड दे, और ये एक बंदा मेरे को दिखा तो मैंने सोचा इनकी स्क्वाड का होगा, लेकिन जैसे मैं इसे मारता हूँ तो भाई ये बंदा पूरा फिनिश हो जाता है, मतलब अलग ही सीन चल रहा था, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कौन किसकी स्क्वाड का है, बट ये जो 3 बंदे मारे हैं ना भाई ये अलग ही, मतलब इनका जो टीममेट था वो कहीं और ही था बिल्कुल नशे में। अब देखो इस टाइम में यार 4 बंदे अलाइव है जिनमें से पूरी एक स्क्वाड बची पड़ी है, जिनका 1-2 बंदे मैं फिनिश कर चुका हूँ, तीसरा ये फिनिश कर दिया, और अब एक बंदा बचा जो कि भाई बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब देखना कहाँ पे वो बंदा मिलेगा, मतलब शायद ज़्यादा दूर नहीं है वो, शायद फ्लैंक कर गया था देखना, बट इनके पास नहीं था भाई वो, और इसी वजह से भाई इनकी टीम फिनिश हो गई। अब देखो गाइस वो बंदा मेरे को मिल नहीं रहा था, कार से इतने सारे राउंड मारे, जोन के बाहर भी देखा है कि भाई काका कहीं पे नशे कर रहे हो, जोन के बाहर एक बार देख आते हैं, बट वहाँ पे भी नहीं मिला, और मैंने से एक बार के लिए सोचा ड्रॉप लूट लेते हैं, बट ना भाई वो लोग, मेरे को पता था भाई बंदा कहीं ना कहीं तो साफ बना हुआ है, और ड्रॉप की तरफ एम करके लेट के, तुम्हें पता है भाई लेट के मतलब बिल्कुल प्रोन होके यार, प्रोन होके क्या मस्त रिकॉल कंट्रोल होता है, तो वो बंदा मेरे को एक स्प्रे में खा जाएगा, तो इसे मैं यहाँ पे आ गया और यहीं पे रुका थोड़ी देर, और स्मोक करे कुछ आ गई भाई जोन में जाना पड़ जाए वगैरह वगैरह, प्री प्लानिंग तुम्हें पता है तुम्हारा भाई बिल्कुल एडवांस चलता है, लेकिन वो बंदा मेरे को सामने दिख जाता है, और फिर देखो यूज़ी का कमाल।
और यार स्क्वाड में शायद आज तक के मेरे हाईएस्ट किल्स हैं 21, मेरे को याद नहीं है ढंग से, क्योंकि स्क्वाड में आजकल मतलब कम खेलता हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा खेलने लग रहा हूँ, बट यार शायद हाईएस्ट है 21 आज तक का। तो गाइस आई होप आप सभी आज की ये वीडियो पसंद होगी, पसंद हो एक लाइक जरूर कर देना, नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब वीडियो पसंद आए तभी सब्सक्राइब करना, पसंद आ रही है और सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हो, तो मेरे साथ भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन पे क्लिक करके उसे ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। बाय बाय गाइस, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि कल वीडियो डाल दो यार।